थन से निकले थे तुम, पंख फड़फड़ा उड़ चले स्वर्ग की ओर। हे श्वेत अश्व, नुकीले नैन नक्श लिए, विद्युत तरंगों पर विराजित चिर किशोर, लांग कर प्राची दिश का ओर छोर, उच्चै श्रवाह तुम उड़ चले स्वर्ग की ओर। नागरिक यातायात के साधन हो या सैनिक क्रियाकलाप, बोझा ढोने का काम हो या कृषि कार्यों के लिए शक्ति का स्रोत, मनोरंजन का प्रयोजन हो या राजसी शौर्य का प्रदर्शन, मानव सभ्यता में अश्वों ने अनेक भूमिकाएं निभाई हैं। लाखों संसाधनहीन किसानों के लिए अश्व जीविकोपार्जन और आय का साधन है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में जहां यातायात के अन्य साधनों की पहुंच नहीं है, अश्वों की उपयोगिता अपार है। अब कृषि कार्यों में भी अश्वों की उपयोगिता बढ़ रही है। कृषि आधारित समाज में अश्वों की सामाजिक आर्थिक महत्ता को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना हरियाणा के हिसार शहर में 26 नवंबर सन 1985 में की। सन 1989 में बीकानेर में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के एक अन्य परिसर की स्थापना की गई, जो देशी अश्वों की नस्लों के जर्म प्लाज्म के संरक्षण और सुधार द्वारा भूमिहीन एवं सीमांत किसानों के उत्थान में सहायता कर रहा है। अश्व एवं अश्व पालकों के कल्याण की आवश्यकता के अनुरूप केंद्र का मिशन एवं उद्देश्य सीधे लक्ष्य पूर्ति के लिए निर्धारित किया गया है। अश्वों के स्वास्थ्य एवं उत्पादन प्रबंध पर अनुसंधान, अश्वों के प्रमुख रोगों के नैदानिक जैविकों का विकास, अश्व रोगों के निदान निगरानी और प्रबंध के लिए राष्ट्रीय संदर्भ सुविधा के रूप में कार्य करना और नैदानिक सलाह एवं परामर्श सेवा प्रदान करना। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के 25 साल के इतिहास में कई महत्वपूर्ण शोध हुई है। इसके साथ ही कई नई तकनीकें विकसित की गई है, जिनसे अश्व के उत्पादकता में और इनके हेल्थ में बहुत योगदान हुआ है। कई बीमारियों से देश में लड़ने की क्षमता मिली है, जिसमें इक्वाइन इन्फ्लुएंजा जो 1987 में हुई थी और इसमें 83,000 एनिमल अफेक्ट हुए थे, उसका रोकथाम उसकी को की गई। और इसी के दूसरे साल ही इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया नामक बीमारी हुई थारोब्रेड हॉर्सेज में, जिसका केंद्र के वैज्ञानिकों की अथक मेहनत के बाद में उस डिजीज से भी निजात पाई जा सकी और उसका लास्ट केस 1998 में आया था। लेकिन ग्लैंडर्स और इक्वाइन इन्फ्लुएंजा फिर से देश में आ गए। ग्लैंडर्स आया 2006 में, अभी तक काफ़ी केसेज हुए, और फिर 2008 से इक्वाइन इन्फ्लुएंजा फिर आ गया, जिससे हमारे वैज्ञानिक लड़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि कैसे फ्री कर पाएंगे हम। केंद्र के हिसार में स्थित उत्कृष्ट एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं विशेषकर विषाणु जीवाणु परजीवी और अन्य गैर संक्रामक रोगों पर अनुसंधान करती हैं, जबकि बीकानेर स्थित केंद्र उत्पादन प्रजनन पोषण और भारवाहक क्षमता संबंधी अनुसंधान करता है। देश की अद्भुत जलवायु विविधता के कारण यहाँ देशी अश्वों की 6 विशेष नस्लों का उद्भव हुआ है। मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मणिपुरी, स्पीति, जांसकारी और भूटिया। इनमें से काठियावाड़ी और मारवाड़ी उपयोगिता और सुंदरता में सर्वश्रेष्ठ हैं। भूटिया, स्पीति और जांसकारी नस्ल के छोटे घोड़े मुख्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनकी चाल धीमी है। मिश्रित प्रजनन के कारण देशी नस्लों के घोड़ों के मूल अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए ये केंद्र एक व्यापक कार्यक्रम द्वारा डीएनए परीक्षण के माध्यम से इन नस्लों के आकृतिक लक्षणों और आणविक अभिलक्षणों पर सैटेलाइट आधारित पीसीआर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर अनुसंधान कर रहा है। प्राप्त परिणाम रोचक हैं। माइक्रो सैटेलाइट बेस्ड जेनेटिक स्टडीज विद इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ इक्वाइन्स हैव रिवील्ड दैट मणिपुरी एंड जांसकारी ब्रीड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, व्हाइल स्पीति एंड भूटिया ब्रीड्स हैव ओरिजिनेटेड distinctly, and Kathiawadi breed seems to be the oldest breed among these indigenous breeds. बेहतर गुणवत्ता वाले अश्वों की जनसंख्या में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के लिए कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का मानकीकरण करके इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया।
इस तकनीक की सहायता से घोड़े द्वारा 10-12 घोड़ियों का गर्भाधान करवाया जाता है और अतिरिक्त लाभ के रूप में यौन संचारित रोगों का खतरा कम होता है। इस तकनीक का इस्तेमाल खच्चरों के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक विकसित की गई जिसे खच्चरों और पुनीज के प्रोडक्शन में स्पेशली राजस्थान हरियाणा में बहुत अच्छा असर रहा उसका, और इसका हम नियमित रूप से प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ एक नेशनल सेमेन बैंक भी है, इसी के साथ और कई भी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और उन पर इस समय काम चल रहा है। केंद्र द्वारा विकसित एलाइसा किट से घोड़ियों में गर्भाधान का पता प्रारंभिक दिनों में ही किया जा सकता है। केंद्र ने अश्वों के उचित प्रबंधन के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित किया है। इसमें अस्तबलों की स्वच्छता एवं वी संक्रमण, शारीरिक व्यायाम, खुरों और बालों की कटाई, उचित आवास, संतुलित आहार, प्रजनन एवं स्वास्थ्य प्रबंधन शामिल हैं। केंद्र ने कम लागत वाली तीव्र नैदानिक तकनीक विकसित की है जिससे रोगों का पता आरंभ में ही चल जाता है। साथ ही देश में अश्वों के प्रमुख रोगों पर नियमित निगरानी और प्रबंधन का कार्य भी किया जाता है। इसके लिए आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप केंद्र को प्रमुख अश्व रोगों के निदान के लिए राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। केंद्र द्वारा संग्रहित आंकड़ों की सहायता से भारत को 2006-2007 में OIE संगठन द्वारा अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस रोग से मुक्त घोषित किया गया। संक्रामक रोगों में इक्वाइन हर्पीस वायरस 1 यानी EHV1 गर्भपात का अकेला प्रमुख कारण है जिससे अश्वपालकों को प्रतिवर्ष लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। केंद्र द्वारा विकसित ब्लॉकिंग एलाइसा किट से इसका शीघ्र और निश्चित निदान संभव है। घोड़ियों में एक्वाइन हर्पीस वायरल गर्भपात पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने प्रभावशाली एक्वाइन हर्ब अबॉट टीका विकसित किया है। देशी EHV1 वायरस आइसोलेट से विकसित इस टीके का फील्ड स्तर पर पर्याप्त परीक्षण कर लिया गया है। एवर्सन ड्यू टू इक्वाइन हर्पीस वायरस 1 इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। For this, we have developed diagnostic kit that is monoclonal antibody based. That kit has been released by our Honorable Director General for the field use, and we have developed this vaccine where our indigenous strain of equine herpes virus 1 is added. This is a killed vaccine, and vaccine is under field trial at the validation stage. इक्वाइन इन्फ्लुएंजा यानी हॉर्स फ्लू का प्रकोप देश में लगभग 20 वर्षों के बाद 2008-09 में 13 राज्यों में हुआ। इस चुनौती का सामना करते हुए केंद्र ने कम मूल्य वाला प्रभावशाली टीका विकसित किया। 2009-10 में नया विषाणु सम्मिलित कर टीके को आधुनिक बनाया गया। इक्वाइन रोटा वायरस ERV 6 माह से कम आयु वाले घोड़े के बच्चों में डायरिया का प्रमुख कारण है। इससे बड़ी संख्या में अश्व अस्वस्थ और मौत का शिकार हो जाते हैं। करने वाले रोग कारण जीवाणुओं में ग्लैंडर्स अश्वों का अति संक्रामक और अधिसूचित रोग है। वर्ष 2006 में देश में इसका पुनः प्रकोप हुआ। ये रोग मनुष्यों में भी फैल सकता है। जीवाणुओं में ग्लैंडर्स अश्वों का अति संक्रामक और अधिसूचित रोग है। वर्ष 2006 में देश में इसका पुनः प्रकोप हुआ। ये रोग मनुष्यों में भी फैल सकता है। घोड़ों के बच्चे रोडोकॉकस एक्वाई से संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण ब्रोंको न्यूमोनिया हो जाता है। सही समय पर इलाज न होने पर यह घातक हो जाता है। केंद्र द्वारा विकसित PCR आधारित नैदानिकी से प्रारंभिक अवस्था में रोग का पता लगने से सही समय पर अश्वों का इलाज कर जान बचाई जा सकती है। ट्राइपैनोसोमोसिस या सर्रा अश्वों का सबसे प्रमुख और व्यापक खून के द्वारा संचारित परजीवी रोग है। इससे पशुओं की उत्पादकता प्रभावित होती है तथा इससे अश्वों की मृत्यु भी हो जाती है। केंद्र की परजीवी विज्ञान प्रयोगशाला प्रत्यक्ष और परोक्ष विधियों द्वारा नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराती है जिसमें केंद्र द्वारा विकसित संवेदी और विशिष्ट एलाइसा और PCR तकनीक सम्मिलित हैं। बेबीसियोसिस दूसरा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोग है। इसके कारण अश्वों की भार वहन शक्ति घट जाती है। ये रोग चीचड़ यानी टिक से फैलता है। केंद्र ने इसके निदान के लिए प्रभावशाली व संवेदी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आधारित एलाइसा और PCR तकनीक विकसित की है। उभरते और पुनः उभरते पशुधन रोग कारकों के विरुद्ध सूक्ष्म जीवी संसाधनों के महत्व को देखते हुए केंद्र में वर्ष 2005 में वेटरिनरी टाइप कल्चर सेंटर की स्थापना की गई है।
यहाँ केंद्र द्वारा देश भर में अश्वों से संग्रहित और शोधकर्ताओं से प्राप्त जीवाणु संवर्धों की पहचान, प्रमाणीकरण, परिरक्षण और सूचीकरण किया जाता है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र अश्व पालकों से निरंतर संपर्क और विचार विमर्श करते हुए अश्व प्रबंधन, स्वास्थ्य व उत्पादन संबंधी चिकित्सा सेवाएं, परामर्श, उचित समय पर आवश्यक सूचनाएं और प्रशिक्षण प्रदान करता है। किसान गोष्ठी, किसान दरबार और जागरूकता के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। अभी हमारे वैज्ञानिक अश्वों की कई बीमारियों के निदान के बारे में काम कर रहे हैं और कोशिश ये है कि न्यू जनरेशन टेक्निक्स विकसित की जाएं, जिससे हम डिजीज़ की डायग्नोसिस बहुत जल्दी कर सकें और इसके साथ ही ऐसे टेस्ट का विकास भी हम लोग करने में इस समय हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इसके साथ ही बीकानेर कैंपस में संस्थान के हम एक न्यूक्लियर सर्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें अश्वों की ऐसी प्रजातियाँ जो लुप्त होने के कगार पर हैं, जैसे स्पीति है, मणिपुरी है, जंस्कारी है, इनके न्यूक्लियस हर्ड हम यहाँ ला रहे हैं। मौजूदा स्थिति में अभी जंस्कारी पोनीज का एक हर्ड हमारे पास है, जो 12 एनिमल्स हम लेके आए थे और जिसमें 3 फोल ऑलरेडी हमारे यहाँ हो गए, 2 और फोल होने वाले हैं और अगले एक साल में कोशिश है कि हम मणिपुरी और स्पीति हार्सेस को ला के यहाँ उनके संरक्षण के लिए भी काम करें। अश्व पालकों का भविष्य उनके अश्वों की कुलाचों के समान सफलता की उड़ान भर रहा है। आज अश्व संपन्नता का साधन बन चुके हैं। वास्तव में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के प्रयासों के कारण अश्व ऊर्जा और सूर्य का प्रतीक बन गए हैं। जैसा हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित है, अश्वों की महान गाथा आज भी जारी है।